अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सना शो। अल्लाह करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी रहें बीमारियों से पाक और परेशानियों से दूर रहें। जैसा कि आपको मेरी इस वीडियो में नज़र आ रहा है, आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन की सफ़ाई। और मैं अपनी किचन की सफ़ाई कैसे करती हूँ, किस तरह क्लीन करती हूँ उसको, उन किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, वो सब मैं आपको इस वीडियो में करके बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलिए जी, जल्दी से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पहले बर्तन में पानी लगा दिया, बर्तन में पानी में भिगो के चली थी ताकि बर्तन में जो तल में लगा होता है कुछ भी पैसे लग जाती है, जो धोना आसान नहीं होता, टाइम लगा होता है। हाँ जी, तो अब मैं स्लैब साफ़ करने लगी हूँ, चूल्हा भी साफ़ कर चुकी हूँ, बर्तन भी धो चुकी हूँ, तो मैं स्लैब साफ़ करने लगी हूँ। स्लैब साफ़ करने से पहले मैं कपड़े से इसको पहले साफ़ करती हूँ, फिर इसमें सर्फ डाल के स्पंज ही मैं इसको रब करती हूँ ताकि इस पर जो भी चिकनाई वगैरह लगी हो वो ईज़िली रिमूव हो सके। चले मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे साफ़ करती हूँ। Thank you.
हाँ जी, ये देखिए मैंने अपने किचन को साफ़ कर लिया, स्लैब सब साफ़ कर चुकी हूँ और चूल्हा भी साफ़ कर चुकी हूँ, बर्तन धो के सिंक को भी साफ़ कर चुकी हूँ मैं। और इंशाल्लाह मैं आपसे कभी शेयर करूँगी डीप क्लीनिंग किचन की, मैं किस तरह किचन को डीप क्लीन किस तरह करती हूँ और मैं जिस तरह ओमन को और जूसर को किस तरह साफ़ करती हूँ, तो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी ये। लेकिन मैं हफ्ते में एक दफ़ा ये डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की। फाइनल लुक दिखाते हैं अपने।